विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो वाई इज इट एज कॉन्स्टेंट. ओके, इफ यू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स देन अदर वेरिएबल्स आर कॉन्स्टेंट. ओके, तो नाउ व्हेन यू फाइंड द डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हियर वाई इज ए कॉन्स्टेंट, तो वाई टेकिंग आउटसाइड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस देन sin xy, तो sin xy डेरिवेटिव इज cos xy. ओके, होल इनटू अगेन xy का डेरिवेटिव क्या होगा, y होगा, बिकॉज y इज ए कॉन्स्टेंट हियर. तो हियर यू विल गेट दिस इज 2xy. ओके, 2xy प्लस y cos xy, y cos xy. तो अगेन यू सी यू फाइंड fy. ओके, दैट मीन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y. तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, तो x इज कांस्टेंट, टेकिंग x स्क्वायर आउटसाइड, डेरिवेटिव 1 प्लस अगेन sin xy का डेरिवेटिव cos xy. ओके, sin xy डेरिवेटिव cos xy एंड अगेन xy का डेरिवेटिव x होगा, दैट इज x cos xy, बिकॉज़ हियर you have to find with respect to y, here x is constant. Got it? Yes, sir. So again, you have to find xx. Okay, xx means the double derivative with respect to x. So fx means you can find this is del by del x of fx. Already you find fx. ओके, x को और एक बार x में डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो x x आएगा. ओके, तो नाउ तो ये जो फंक्शन है, ओके, ये जो फंक्शन है उसको फिर x में डेरिवेटिव फाइंड करो, तो x में डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो y इज कांस्टेंट, तो 2y टेकिंग आउटसाइड. ओके, डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 1, अगेन योर y इज कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड, अगेन cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin xy इनटू अगेन xy का डेरिवेटिव क्या होगा, y आएगा, तो हियर y स्क्वायर. गॉट इट? यस सर, यस. तो एक तो व्हेन यू फाइंड सपोज f xy, ओके, f xy, तो व्हाट इज f xy, दिस f xy मींस आइदर यू कैन फाइंड डेल बाय डेल x ऑफ fy or you can find del by del y of fx. दोनों जो फाइंड करो होगा. ओके, तुम fy को x में डेरिवेटिव करोगे तो xy आएगा, और x fx को y में डिफरेंशिएट करोगे तो fxy आएगा. बोथ आर सेम, तो एनीवन यू कैन टेक. इज इट ओके? दोनों का आंसर सेम आएगा. देखो मैं दोनों भी कर देता हूं, तो यहां पे तुम्हारे fy का x में डेरिवेटिव करोगे तो तुम्हारे fy क्या x square है, x square का derivative क्या होगा, 2x होगा, plus again x into cos xy, तो derivative of first into second, okay, plus first into derivative of second, तो minus cos xy and again with respect to x में होगा तो again y आएगा, so that is xy into minus cos xy. okay, तो if you find this one, ये वाला करोगे तो ये क्या होगा, देखो और दिस इज डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ एक्स फाइंड करोगे तो क्या होगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तुम्हारा है 2xy प्लस y cos xy. ओके, तो दिस इज डेल बाय डेल वाई ऑफ 2xy प्लस y cos xy. ओके, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो देखो क्या होगा, तो 2x आउटसाइड, ओके, y का डेरिवेटिव 1 प्लस अगेन the derivative of a first y का derivative 1 again cos xy, derivative of a second plus y into derivative of a, okay, second, that is cos xy का derivative क्या होगा, this is minus sin xy, okay, into x आएगा. okay, so you see this is 2x plus cos xy minus xy sin xy. देखो दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर सेम है.
अच्छा यस यहाँ पे सर। सर नहीं सर यहाँ पर तो सर नहीं है हाँ? ना, माइनस कॉस एक्स वाई। एक सेकंड सर, एक सेकंड कॉस है यहाँ पे साइन, अच्छा यहाँ पे सर। नहीं साइन है होगा, सर, मैं कॉस साइन लिख दिया होगा सर वो वाला। हाँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला यस साइन सर। होगा, अच्छा ये वाला साइन होगा, यस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई। देखो ना, देखो दोनों सेम है, ओके यस सर। तो व्हेन यू फाइंड एफ एक्स वाई आइदर यू एफ वाई को एक्स में डिफरेंशिएट करो और एफ एक्स को वाई में डिफरेंशिएट करो, बोथ आर सेम, ओके देन इफ यू फाइंड एफ वाई वाई तो एफ वाई वाई क्या होगा, अगेन एफ वाई को वाई में डिफरेंशिएट करोगे, ओके तुम्हारा एफ वाई क्या था, योर एफ वाई विल बी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉस एक्स वाई, ओके दैट इज डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉस एक्स वाई, तो क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट, इट विल बी जीरो, ओके देन एक्स इज कांस्टेंट एंड वाई का डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन एक्स वाई, ओके देन एक्स वाई का डेरिवेटिव होगा एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर इनटू माइनस साइन एक्स वाई, तो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई, ओके तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा भाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, गॉट इट। यस सर। यस ओके तो नाउ लेट अस सी कम टू आवर टॉपिक, तो लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ओके लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ओके तो यू प्रैक्टिस द एक्सरसाइज ऑफ 8.4, ओके इन 8.4 यू सी द क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आर देयर, ओके यू शुड प्रैक्टिस दिस थिंग्स, ओके The next is another one that is very simple and sometimes only the short question will come, okay, in the last chapter, that is the complex matrices. What is complex matrices? Okay, the complex matrices and its properties. Okay, अभी तक जो पढ़े थे सब real matrices पढ़े थे, complex matrices. Okay, complex matrices. तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस क्या होगा, दैट मींस द एलिमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, यस और नो, दैट मींस ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स सपोज दिस इज ए इज इक्वल टू द एलिमेंट आर ए आई जे, ओके इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ओके इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इफ this a i j all the elements of that matrix belongs to c, okay belongs to c, it is a complex number, okay for example you can say, for example you can say suppose I am writing a matrix, I can write suppose this is 2 3 minus i, okay this is i and this is minus i, so this is a complex matrix because the elements are what, the elements are complex number, okay and when you find the conjugate, suppose the conjugate of a matrix, okay conjugate of a matrix, conjugate of a matrix and it is denoted as what, what is the notation, the notation denoted as, okay this is denoted as a conjugate, and a conjugate means what, this a conjugate means it is conjugate of all elements, okay for example suppose we take the matrix, suppose a matrix is equal to this is 2 3 minus i i minus 1, suppose this is your matrix, so what is a conjugate, this a conjugate means the conjugate of all elements, तो 2 का कंजुगेट क्या होगा, सेम 2 होगा, 3 माइनस आई का 3 प्लस आई, आई का माइनस आई एंड माइनस 1 रहेगा बिकॉज दिस इज ओनली रियल पार्ट, तो दिस इज द कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके द कंजुगेट ऑफ ए मींस द कंजुगेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, अंडरस्टूड,
So now let us come to the types of matrix. Okay, in complex matrix, three types are there. Okay, types of matrix. Complex matrix, types of complex matrices. So first you see what is Hermitian matrix. Okay, Hermitian matrix. तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स? इफ इफ दिस ए कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, इफ ए कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, ओके देन इट इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स. ओके, ए कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, देन यू कैन से इट इज Hermitian matrix. Understood my point? So again you can see for example you see Hermitian matrix A conjugate transpose is equal to A matrix. Okay, sir. Oh, sorry, 1 minute. So Hermitian matrix is if A conjugate transpose is equal to A matrix. So for example, let us see one example. Suppose we take one example. Okay. Suppose you take this A matrix is equal to this is 2, 3 plus i, 3 minus i, minus 1. So this is your A matrix. So now you find first find what is A conjugate. Your A conjugate is equal to then 2, 3 minus i, 3 plus i, and minus 1. And what is A conjugate transpose? Your A conjugate transpose is equal to this is 2, 3 minus i, 3 plus i, minus 1, and it's a conjugate. Sorry, and it's a transpose. And which is equal to this is 2, 3 minus i, 3 plus i, and minus 1, and which is same as A matrix. Yes or no? So that is this is the Hermitian matrix. Okay, the condition is what? A conjugate transpose is equal to A matrix. That is Hermitian matrix. Understood? So then yes, we come sir. To the another type that is skew Hermitian matrix. Skew Hermitian matrix. So what is skew Hermitian matrix? Skew Hermitian matrix. The skew Hermitian matrix can say if A conjugate transpose, if this A conjugate transpose is equal to minus A. If A conjugate transpose is equal to minus A, then it is called skew Hermitian matrix. Okay? A conjugate transpose is equal to minus A. Got it? So if you give one example, what is A conjugate transpose is equal to minus A? So you can say, suppose you take a matrix, suppose 0 and
suppose I here minus 2y and this is 0. Suppose this matrix I take. Got it? So now let us see which is equal to how much. And sorry, if you find the A conjugate, the A conjugate will be 0 minus I plus 2i. Okay, and zero. Okay, sorry, it 2y yoga. 1 minute. Sorry, 2y yoga. Okay, so now then when you find this A conjugate transpose, so which is equal to this is 0. 2i minus 2i and 0. Got it? Sorry. ये हर्मिशन हो गया. सॉरी स्क्यू हर्मिशन नहीं हुआ. स्क्यू हर्मिशन के लिए रुको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ. सॉरी ये वाला नहीं होगा सर. 1 मिनट. Okay, you write one matrix. Suppose skew Hermitian, you write, suppose this is 3i and this is 2 plus i and this is minus 2 plus i and this is minus i. Got it? And you find the conjugate is this is minus 3i, then this is 2 minus i, okay, 2 minus i, this is minus 2 minus i, and this is plus i. And if you take the transpose, then this will be minus 3i, this is minus 2 minus i, this is 2 minus i, and this is plus i. This is A conjugate transpose. Now we can say if you take one minus common, so what you get? This will be 3i, this is 2 plus i, this is, if you take minus common, then minus 2 plus i, and this is minus i. And which is nothing but what? This is minus i. Is it correct? So now this is called skew symmetric matrix, sorry, skew Hermitian matrix. सर माइनस आई का कंजुगेट आई होता है ना. हाँ माइनस आई का कंजुगेट आई होता है सर. वो ऊपर क्वेश्चन में सर आप माइनस आई लिखे थे. माइनस आई का कंजुगेट माइनस आई नहीं तो प्लस आई ऊपर में. ऊपर में सर. ऊपर में. अच्छा यहाँ पे कौन सा एग्जांपल तुम्हारा जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जांपल तो वन था सर. वो आई लगा सर. ठीक है. अच्छा ठीक है. और तो नाउ इट इज करेक्ट. यस ओके. तो नेक्स्ट अनदर टाइप इज यूनिटरी मैट्रिक्स. अनदर मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स. तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज यूनिटरी मैट्रिक्स? The unitary matrix is if the condition is that is A conjugate transpose. Okay, that is A conjugate transpose is equal to A inverse. A conjugate transpose is equal to A inverse. Then it is called unitary matrix. A conjugate transpose is equal to A inverse. Got it? So, or you can say, or when you test. ओके तो तुम जो ए इनवर्स फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो व्हेन यू टेस्ट तो यू बेटर यू ऑलवेज डू लाइक दिस. ए ए कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके ए ए कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यू ऑलवेज चेक लाइक दिस. तो बेटर यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स एंड व्हिच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देन इट इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स. ओके एंड For example, let us see, for example, one unitary matrix, you see,
फॉर एग्जाम्पल सपोज यू टेक ए मैट्रिक्स ए, ओके सपोज योर ए मैट्रिक्स इज ए यू राइट दिस इज आई बाय टू, ओके आई बाय टू एंड रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू एंड दिस इज ऑल्सो रूट थ्री बाय टू एंड दिस इज आई बाय टू, ओके सपोज दिस मैट्रिक्स, ओके तो नाउ लेट अस टेल मी व्हाट इज ए कंजुगेट. तो ए कंजुगेट क्या होगा, तुम्हारा ए कंजुगेट हो जाएगा माइनस आई बाय टू, दिस इज रूट थ्री बाय टू, दिस इज ऑल्सो रूट थ्री बाय टू, दिस इज माइनस आई बाय टू. ओके दिस इज माइनस आई बाय टू. तो नाउ व्हाट इज योर what we have to check, a into a conjugate transpose, this is a into a conjugate transpose, so which is equal to this is I by 2, this is root 3 by 2, this is again root 3 by 2, this is I by 2, this matrix into a conjugate transpose, this a conjugate we have already found, so a conjugate transpose find it, minus I by 2, this is root 3 by 2, again this is root 3 by 2, okay. And this is minus I by 2. Same hoga matrix. Okay, because this is symmetric. This is A conjugate. So transpose same aayega. So now you multiply these two. So multiply karne se kya hoga? Dekho, multiply karne se ye aayega tumhara minus I square by 2. Okay. Plus I square by 2 square plus 3 by 4. Again, this one is root 3 I by 4. Okay, then minus root 3 I by 4. Again, this one you see, this one root 3 I by 4 minus root 3 I by 4 plus root 3 I by 4 and the next one is this is 3 by 4 then this is a minus I square by 4. So this matrix you will get. So now if you simplify what you get, I square is equal to minus 1. So I square is equal to minus 1, minus 1 minus plus 1. So 3 plus 1, 4 by 4, this is 1, this will be 0, this is 0, this is 1. So you will get this identity matrix. Okay, so now this is ortho, sorry, this is unitary matrix. Understood? Understood or not? Yes, sir. Okay, so again you see, so now these three types of matrix, the Hermitian, skew Hermitian, and unitary matrix, this is a very similar matrix. Dekho. Similar means what? Equivalent means what? Dekho. In a real matrix, okay, I just take a real and this is complex matrix. Okay, so real matrix se tumhara three types ka hota hai. That is one is symmetric, skew symmetric, and another one is orthogonal. Okay, so similar in complex, this is Hermitian. Okay, Hermitian, this is skew Hermitian, skew Hermitian, and this is unitary. Okay, so these matrices, okay, in real it is called symmetric, in complex it is called Hermitian. Why they are I'm saying this is they are similar, because the eigenvalues, okay, show the same properties, okay, of this symmetric and Hermitian, skew symmetric and skew Hermitian, orthogonal and the unitary matrix. Okay, the eigenvalues, okay, show the same properties. Okay, so let us see, you can write what is the eigenvalues of Hermitian, skew Hermitian, and unitary matrix. So let us see. So you can also compare. I have also told you what is the what properties symmetric, skew symmetric, and orthogonal matrix. Okay, perform on eigenvalues. Okay, similarly you can see
the Hermitian, U Hermitian, and unitary matrix also perform same properties on eigenvalues. So let us see what is the eigenvalues of a Hermitian matrix. Let us see in Hermitian matrix. Hermitian matrix. Okay, in Hermitian matrix, you can say the eigenvalues are okay. The eigenvalues of a Hermitian matrix, okay, are real numbers. Okay, the eigenvalues. The eigenvalues of Hermitian matrix. Okay, Hermitian matrix are real. Okay, a real number. Similarly, come to the skew Hermitian matrix. You can say the eigenvalues. The eigenvalues of skew Hermitian matrix. Skew Hermitian matrix. Okay, the eigenvalues of skew Hermitian matrix are either zero. Okay, are either zero, either zero or pure imaginary number, or pure imaginary number. Or pure imaginary number. Pure imaginary number. Okay. The eigenvalues of a skew Hermitian matrix are what? Either zero hoga, otherwise pure imaginary number hoga. Pure imaginary, the real parts are zero. Okay. And similarly, if you say about unitary matrix, if you say about unitary matrix, okay. If you say about unitary matrix, the unitary matrix of kya hoga? So the eigenvalues of unitary matrix, okay, have absolute value 1. Okay, so both real or complex sources of pi, but absolute value will be 1. Okay, so you can say the eigenvalues of unitary matrix, okay, are both real or complex, are both real or complex with absolute value 1. With absolute value 1. Okay, so real hoga, so either 1 hoga, nahi to minus 1 hoga. Complex hoga, so uska absolute value 1 hoga. Okay, that is the properties on eigenvalues. तुम देखोगे ये जो Hermitian, skew Hermitian and unitary matrix, the same as symmetric, skew symmetric and orthogonal matrix. Okay, the properties on eigenvalues are same in both the matrices, both real and a complex matrices. Got it? And again, you can say. Then another okay, then let us check the how to find the eigenvalues and eigenvectors of the complex matrices. Suppose we take a Hermitian matrix. Example, देखो एक example था. Okay, so let us see this example. Another example you take. Suppose you take your A matrix is equal to 4, 1 minus 3i and 1 plus 3i, 1 plus 3i. Okay, and another one is 7. Suppose this is a Hermitian matrix. This is Hermitian matrix. Okay, Hermitian matrix.
ओके दिस इज हर्मिशियन मैट्रिक्स. तो इफ यू फाइंड द आइगन वैल्यूज, तो आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो सेम प्रोसेस. तो व्हाट इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी दिस इज ए माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो. So that implies you can say this is 4 minus lambda 1 minus 3i and this is 1 plus 3i and this is 7 minus lambda, this determinant equal to 0. Then that implies you see this is 4 minus lambda into 7 minus lambda minus this is 1 minus 3i into 1 plus 3i. I can say this is a minus b, a plus b, the 1 square. Okay, this is one minute. कुछ लिख रहे हैं ना मैं कुछ अब तो मेरा हैंग हो गया. वन मिनट आई जस्ट और एक बार खोल रहा हूँ. ओके One minute. Okay, it is opening. Okay, and so now it is visible to all of you. Yes, sir. Okay. Okay. So here you see. Again, it is not working. Okay.
एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में रिस्टार्ट किया था, इसलिए लेट हुआ थोड़ा जॉइनिंग में। आज क्यों इतना प्रॉब्लम कर रहा है? फिर बंद हो गया। अगर एक पेज में ज्यादा लिख देने से प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका से थोड़ा न्यू पेज करने से अच्छा होगा, आई होप। लास्ट मिनट भी हैंग हो रहा है। अच्छा ये काम नहीं कर रहा, छोड़ो, यहाँ हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो। वन मिनट तो जाम बोर्ड खोल देता हूँ, उसमें हम सॉल्व कर देंगे। Let us see. Okay, so what is the matrix? The A matrix is let us suppose your A matrix is you write this is 4 1 minus 3i, okay, then 1 plus 3i and 7. Suppose this is the matrix. Now is it visible to all of you or not? Okay, so now we have to find the characteristic equation. So characteristic equation kya hoga? This is A minus lambda I, determinant equal to 0. Okay, so now let us see. So if A minus lambda determinant equal to 0, so kya hoga? This is 4 minus lambda, this is 1 minus 3i, okay, 1 minus 3i, this is 1 plus 3i, and this is 7 minus lambda. The determinant equal to 0. So now, again, you see that implies if you find the determinant, this is 4 minus lambda into 7 minus lambda. Okay, this is minus. This is A minus B, A plus B, 1 minus A, 1 plus 3. So 1 square minus 3i square is equal to 0. So if you simplify, so this is 4 minus lambda, 7 minus lambda. Okay, this is minus. ये 1, दिस इज 3i स्क्वायर, क्या होगा? दिस इज 9i स्क्वायर, i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो दिस इज प्लस 10 माइनस 10, 1 प्लस 9, दिस इज 10, इज इट करेक्ट? एंड अगेन इफ यू अगेन सिंपलीफाई, तो व्हाट यू गेट, दिस इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा, ओके, प्लस दिस इज 28 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. And that implies this is lambda square minus 11 lambda plus 18 is equal to 0. So plus 18 kya hoga? A minus 9 minus 2 ho jayega. So lambda is equal to, we can say, okay,
we can say this, that implies this lambda minus 9 into lambda minus 2 is equal to 0. So that implies your lambda is equal to 2 and 9. Is it correct? Understood or not? So we take a Hermitian matrix. Okay, this matrix is a Hermitian matrix. And we find the real eigenvalues. Okay, this matrix is a Hermitian matrix. Yes or no? So we take a Hermitian matrix and we find the eigenvalues are always real numbers. Got my point? How to find the eigenvectors? So eigenvectors kaise find karoge? So dekho, eigenvector kaise find karoge? Suppose for eigenvector, for lambda is equal to, suppose 2. For lambda is equal to 2. So you have to solve this homogeneous system. This A minus lambda I, this X is equal to 0. So A minus lambda I, kya hoga? If lambda is equal to 2, this is 4 minus 2, this is 2. 1 minus 3i, this is 1 plus 3i. And this is 7 minus lambda, that is 5. Okay, this into X1, X2 is equal to 0, 0. तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स तुम इक्वेशन सॉल्व करोगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा ओके नॉट मच डिफिकल्ट ओके बट यू कैन इजीली फाइंड देखो हाउ टू फाइंड तो फर्स्ट यू राइट द इक्वेशन डोंट डू एनी ऑपरेशन रो ऑपरेशन यू राइट द इक्वेशन सपोज यू राइट दिस इज 2x1 प्लस 1 माइनस 3i x2 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकंड इक्वेशन विल बी 1 प्लस 3i इनटू x1 प्लस 5x2 is equal to 0. Suppose you write the equation in this way. Now from this equation, okay, so you consider only one equation. So either you take first equation or second equation. Only one equation you have to consider. Okay, any one equation. So suppose you consider the first equation. Okay, suppose you consider the first equation. In the first equation, okay, so I am writing here. Suppose this is equation 1, this is equation 2. So from equation one, put x2 is equal to 1. Put x2 is equal to 1. If x2 is equal to 1, then what is the value of x1? So x1 ka value kya hoga? So x1 ka value ho jayega. This is minus 1 minus 3i by 2. Yes or no? If x2 is equal to 1, then x1 is equal to minus 1 minus 1 minus 3i by 2. So now, what is your eigenvector? Your eigenvector x1 is equal to, this is x1 and x2. Okay? And x1, x2, you can write, this is minus 1 minus 3i by 2, and this is 1. So if you rationalize, so, okay, so 2 multiply kar do, 2 multiply karne se kya hoga? Ye 2 ho jayega. Okay? Aur yahan pe kya ho jayega? Minus 1 minus 3i ho jayega. Got it? और भी थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा और भी थोड़ा मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3i ये हो जाएगा माइनस 2 ओके तो दिस इज योर आइगन वेक्टर अंडरस्टूड और नॉट तो दिस इज योर आइगन वेक्टर दिस इज द फर्स्ट आइगन वेक्टर हाँ सर यहाँ पर हम x2 को 1 क्यों लिए x2 को एनीवन देखो मैं x2 को 1 ले इसीलिए मैं x1 को 1 लेने से क्या होगा तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आ जाएगा तुमको फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा 1 प्लस 3i ऊपर में और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यस सर नो यस सर तो इसीलिए मैं x2 को 1 ले तुम सेकंड इक्वेशन कंसीडर करोगे तो तुम x1 को 1 पुट करोगे अंडरस्टूड यस सर यस सर अंडरस्टूड सर ओके एनीवन यू कंसीडर ओके सर तो वही पुट कर हाँ तो एक वेरिएबल को 1 पुट कर दोगे दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा बोलो और क्या डाउट है a माइनस 1 क्यों लिख रहा है क्या क्या तो माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 3i लिखा है ना हाँ तो उसकी जगह 3i माइनस 1 डायरेक्टली क्यों नहीं लिख रहा है ना तुम्हारा नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखता है a प्लस ib लिखा होता है ना थोड़ी ib प्लस a लिखा होता है तो इसीलिए मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूँ इसलिए मैं माइनस को नीचे ले आया माइनस टू कर दे माइनस वन मल्टीप्लाई करके ठीक है ओके सर हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं तुम लिख सकते हो बट मैथमेटिकली दिस इज लुक्स गुड ओके
ओके देन कम टू द सेकंड आइगन वेक्टर. द सेकंड आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करोगे? सपोज यू टेक योर लैम्डा इज फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 9, तो ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0. तो ओके, तो दिस इज 4 माइनस 9, दिस इज माइनस 5, दिस इज 1 माइनस 3i, दिस इज 1 प्लस 3i, एंड दिस इज 7 माइनस 9 माइनस 2. ओके, ये आएगा. दिस इज एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू 0 0. तो तुम एनी वन इक्वेशन कंसिडर करोगे, दोनों इक्वेशन कंसिडर कोई जरूरत नहीं, एक ही इक्वेशन आइदर फर्स्ट और सेकंड, दो भी एक इक्वेशन कंसिडर करो. सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगेन कंसिडर, सेकंड इक्वेशन कंसिडर करो, नो प्रॉब्लम. इस बार सेकंड इक्वेशन कंसिडर करो. देखो 1 प्लस 3i इंटू एक्स वन माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0. ओके, मैं सेकंड इक्वेशन कंसिडर किया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्स वन को 1 पुट करूंगा. तो x1 को 1 पुट करूंगा तो तुम्हारा x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तुम्हारा x2 का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 3i बाय 2. तो तुम्हारा आइगन वेक्टर क्या होगा, योर आइगन वेक्टर हो जाएगा x1 एंड x2. ओके, तो x1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू 1 प्लस 3i बाय 2 है. तो अगेन इफ यू सिंपलीफाई दिस इज 2 एंड 1 प्लस 3i, इज इट करेक्ट? मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया, understood or not? तो दोनों आइगन वेक्टर मिल जाएगा. तो जब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स तुम सॉल्व करोगे, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करोगे, आइगन वैल्यू तो आ जाएगा, नो डाउट. ओके, जनरली आ जाएगा, पर जब आइगन वेक्टर फाइंड करोगे तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आएगा तो 2x2 नॉर्मली आता है. ओके, यू पुट वन वेरिएबल 1 सो दैट अदर वेरिएबल यू कैन गेट. तो एनी वन इक्वेशन, एनी वन इक्वेशन से तुम एक वेरिएबल को 1 पुट कर दोगे तो दूसरा इक्वेशन का दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा. दैट इज द टेक्निक, ओके, टू फाइंड इजीली. व्हाट माय पॉइंट, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड द स्क्यू सिमेट्रिक एंड यूनिटरी मैट्रिक्स. ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से फाइंड कर सकते हो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर. गॉट इट? बट तुम्हारे इस चैप्टर से जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ओनली शॉर्ट क्वेश्चन आएगा. ओके, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये आइगन वैल्यू आइगन वैल्यू 2x2 का आएगा. ओके, ज्यादा नहीं. ओके सर, टेलर सीरीज में आ सकता है क्वेश्चन? टेलर सीरीज में एक क्वेश्चन आ सकता है, बट मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन नहीं आ सकता, बिकॉज ड्यू टू व्हाट मैं ये भी बोल देता हूँ, तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन नहीं आ सकता है, क्योंकि तुम्हारा एक्चुअली जो टाइम शॉर्ट के लिए तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम कुछ कुछ सेक्शन में, मेरा हमारा सेक्शन में तो हो गया है बट कुछ कुछ सेक्शन में शायद नहीं हुआ है. ओके, वो वाला भी सिलेबस से मतलब बात हो सकता है. ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा सॉरी मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन नहीं आ सकता है. ठीक है, तो टेलर सीरीज आएगा, लेकिन टेलर सीरीज आएगा. बट मैक्सिमम मिनिमम वेरी गुड चैप्टर. ओके, वो वाला चाहिए तुम लोग को, इसलिए मैं पढ़ा दिया हूँ. ओके, बट क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी तो पढ़ो. ठीक है, ठीक है, टाइम तो हो गया, तो लेट स्टॉप इट. ओके, एंड यू राइट योर रोल नंबर इन द चैट बॉक्स.